ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी पर सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस दे दिया है, कोरोना से निपटने का पूरा प्लान मांगा है, नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति से बता दिया है। अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्थिति पर निर्देश दिए। मामले की सुनवाई अब कल होगी, लेकिन अदालत ने इस समय सरकार को यह निर्देश दिया है कि आप अपना प्लान बताइए, क्योंकि ये इमरजेंसी जैसी स्थिति है। उधर दिल्ली में कोरोना की मार के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों की ऑक्सीजन खत्म हो रही है। हाईकोर्ट के फटकार के बावजूद स्थिति बिल्कुल नहीं सुधर रही। इस बीच कोरोना के कारण एक एक करके लोग अपनों को खोते चले जा रहे हैं। बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटों का कुल आंकड़ा जो है वो डराने वाला है। 3,14,000 को ये पार कर चुका है। मरीजों का इलाज छोड़िए, अस्पताल उन्हें भर्ती तक नहीं कर रहे। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगानी पड़ी। फटकार के बाद केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई। इसके बावजूद कई अस्पतालों में देर रात ऑक्सीजन खत्म हो गया और जैसे तैसे उनका इंतजाम किया गया। हेल्थ सिस्टम के इस बदहाली के बीच कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने दिल्ली NCR में कोहराम मचा रखा है। इनमें 72 साल के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार वालिया भी शामिल हैं। शीला दीक्षित सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके वालिया ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रात 1:30 बजे अंतिम सांस ली। कोरोना से पीड़ित डॉक्टर वालिया 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर वालिया के निधन पर सभी दलों के नेताओं ने शोक जताया है। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अशोक वालिया जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। उन्होंने दिल्ली में सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने कोरोना की वजह से अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया। येचुरी ने ट्वीट कर बताया, भारी दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मैंने COVID-19 की वजह से आज सुबह अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें उम्मीद दी और उसका इलाज किया। डॉक्टर, नर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर और तमाम लोग जो हमारे साथ खड़े रहे। इस बीच दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों की जान पर संकट जारी है। दिल्ली NCR में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां मरीजों का इलाज करना तो दूर, उन्हें एडमिट तक नहीं किया जा रहा है। जनकपुरी के माता चन्नन देवी अस्पताल में आज सुबह ऑक्सीजन खत्म हो गया। यहां 200 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। अस्पताल लगातार अधिकारियों और कंपनियों से बात कर रहा है। दिल्ली के नजफगढ़ में राठी अस्पताल को बड़ी मुश्किलों के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, यहां ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। वहीं दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जहां 900 मरीज भर्ती हैं, वहां ऑक्सीजन का गंभीर संकट है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि COVID-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हैरानी जताते हुए अदालत ने ये भी कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा। कोर्ट से मिली फटकार के बाद केंद्र सरकार जागी और दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया से होने लगी है। इस वक्त हम लोग मैक्स पटपड़गंज पर हैं। यहाँ पर भी चंद घंटों की ऑक्सीजन बची थी और कोविड के मरीजों के लिए जो सबसे जरूरी चीज इस वक्त है वो ऑक्सीजन है और इसकी सप्लाई उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास के इलाकों के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से अब की जा रही है। तमाम अस्पतालों को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि चंद घंटों की ऑक्सीजन बची है और अब ऑक्सीजन की सप्लाई इन अस्पतालों में धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। केंद्र ने दिल्ली को मिल रही 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन किया है, लेकिन बंगाल, उड़ीसा और UP से इस अतिरिक्त ऑक्सीजन को आने में 72 घंटे लग जाएंगे। ऑक्सीजन की इस किल्लत के बीच कुछ अस्पतालों का रवैया अब भी मरीजों की जान ले रहा है। संदीप अपनी सासू माँ को एम्बुलेंस में लेकर भटकते रहे। पहले दिल्ली के अस्पतालों में गए, जगह नहीं मिली तो गाजियाबाद पहुंचे। यहां प्राइवेट अस्पताल ने कोरोना की रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट न होने की वजह से जिला अस्पताल का रुख किया।
लेकिन तब तक उनकी सासू माँ ने दम तोड़ दिया। वहाँ उन्होंने तो भेज दिया, उन्होंने तो बोला पहले रिपोर्ट करा के लाओ कोरोना की, जब कोरोना का मरीज है तो कोरोना का रिपोर्ट लाने की जरूरत क्या, कोरोना है ही है उनको तो है। अच्छा उसके बाद 5 किलोमीटर दूर लाके हमारे को रिपोर्ट कराने के लिए आना पड़ा, उतनी देर में यहाँ 2 घंटे यहाँ हमारे को वेटिंग हो गई, उसमें डेथ हो गई उनकी सास। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया जो अब भी जारी है। दिल्ली में पंकज जैन और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।